हे एवरीवन, मेरे चैनल पे आपने मुझे हमेशा बात करते हुए देखा है अबाउट हेल्थ, फिटनेस, प्रोटीन, पीनट बटर, ये वो, ये खाओ वो खाओ। तो क्या मैं हमेशा इतनी ज़्यादा ऐसी हूँ कि मुझे फास्ट फूड की क्रेविंग नहीं होती, मैं नहीं खाती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रेविंग्स सबको होती है और क्रेविंग्स को मारना भी नहीं चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, बट एट अ टाइम आपको अपने मन की चीज़ें खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं खाओगे, आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आप जो भी कर रहे हो, एक्सरसाइज या योगा, उसका जो कंसंट्रेशन है वो भी प्रॉपर नहीं होगा। सो आज है मेरा चीट डे और मैंने ऑर्डर किया है 3 डिफरेंट पिज्ज़ाज, नॉट फॉर मी अलोन, शेयर करके खाऊंगी, और इतना अकेले नहीं। सो मेरा मन किया लेट्स कंपेयर कि उसको भी कितने हेल्दी वे में, लाइक पिज़्ज़ा भी कितना हेल्दी हो सकता है, हेल्दी एज इन टॉपिंग्स जो हैं, बिकॉज उसमें सब्जियाँ बहुत सारी होती हैं पिज़्ज़ा में, जो बहुत हेल्दी भी होती है, पनीर वगैरह भी होते हैं, क्रस्ट कितना मोटा है, क्या है, वीट है, मैदा है, क्या है। सो मैदा भी फाइन वीट का ही होता है, वी ऑल्सो नो, बट अगेन मैदा एंड वीट में डिफरेंस होता है। सो ऑन मेनी थिंग्स आई विल कंपेयर दीज 3 पिज्ज़ाज टुडे, एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा बहुत अच्छा है, कि आप अपने चीट डे पे अपनी क्रेविंग बहुत अच्छे से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने तीनों पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया वो ये बॉक्सेस हैं, वन इज़ फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, वन इज़ फ्रॉम डोमिनोज एंड वन शिकागो पिज़्ज़ा। सो अभी स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। पैकेट तीनों के एक जैसे हैं, मुझे इनका थोड़ा डिफरेंट, ये दोनों सेम सा है, डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट, ठीक है, और इनका थोड़ा सा ऐसा बॉक्स टाइप कलरफुल है, हालांकि पैकिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस हाँ आते समय ख़राब ना हो तो अच्छा है। अभी मैं आपको सबसे पहले जो दिख रहा है उस पर करूँ, तो मुझे पिज़्ज़ा हट की एक चीज़ से ये है कि जैसे डोमिनोज ने और शिकागो ने टिश्यू पेपर दिए हैं, चलो मैं घर पे हूँ तो मुझे टिश्यू की ज़रूरत नहीं है, बट ये अगर कोई डिलीवरी मंगवा रहा है बाहर है तो टिश्यू इज़ बेसिक थिंग, देनी चाहिए, वो इसमें नहीं है। शिकागो ने काफ़ी अच्छे खासे क्वांटिटी में दिया है, एंड दिस चिली फ्लेक्स और ये सब ने ठीक से, डोमिनोज ने थोड़ी कंजूसी करी है, एंड शिकागो से तो आई एम लाइक, आप देख सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है चिली फ्लेक्स वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, एंड वन थिंग केचप भी मुझे बाकी डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा में नहीं मिला है, इसमें इन्होंने केचप के पाउचेस भी दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो तीनों में ही हमने देखा, जो अभी आप भी देख सकते हैं, जिस जो टॉपिंग्स है वो शिकागो पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, मैं खा के भी बताऊँगी टेस्ट कैसा है, सिर्फ दिख रहा है या टेस्ट में भी अच्छा है। एंड ये जो डोमिनोज की तरफ से है, इसमें जो है मुझे बेल पेपर वगैरह बहुत कम दिख रहे हैं, ऑलिव है, ऑलिव इसमें मिसिंग है, बट ये जो शिकागो है इसमें आप देख सकते हैं बेल पेपर और आपका ऑलिव और इसमें ग्रीन पेपर सब कुछ ही है, और जो सबसे ज़्यादा थिक क्रस्ट दिख रहा है वो है पिज़्ज़ा हट का। सो लेट्स ट्राई द मेन थिंग एंड दैट इज़ द टेस्ट। सो ये जो स्लाइस है मैंने आपको दिखाया था, दिस इज़ फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, ठीक है, बेसिक है, अच्छा है। और डिलीवरी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज एंड शिकागो मैंने ऑर्डर किया था, तीनों ने ही ऑलमोस्ट 15 से कह सकते हैं आधे घंटे का टाइम लिया था। सबसे पहले मुझे जो मिला था दैट वाज फ्रॉम शिकागो एंड देन डोमिनोज एंड देन पिज़्ज़ा हट। डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और डिलीवरी सबसे पहले मुझे शिकागो की मिली थी, ठीक है ये भी, बट बहुत ही रेगुलर टेस्ट आया मुझे और इसमें वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो पिज़्ज़ा हट का है। नाउ आई विल ट्राई फ्रॉम डोमिनोज, और ये थिन क्रस्ट भी है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, इसमें जो चीज़ इन्होंने डाला है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जो ये डोमिनोज का पिज़्ज़ा है। अब हम बात करते हैं, जो ट्राई करते हैं द मोस्ट कलरफुल, दिस वन का टेस्ट कैसा है। दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट, ऐसे तो मैं ऐसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। सो ये जो रेगुलर वेजिटेबल पिज़्ज़ा में टेस्ट आता है ना, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, एंड द चीज़ दे हैव यूज्ड उसका टेस्ट ही शायद कुछ डिफरेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब्जियाँ तो एक सी ही होती हैं, उसमें कोई अलग से टेस्ट तो डाल नहीं सकता, बट दिस इज़ लिटरली वेरी टेस्टी, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा ये। और जो क्रस्ट है, अगर अभी आप देखें, मैं तीनों आपको मैंने दिखाया, दिस इज़ ऑल्सो थिन, एकदम थिन होता है, एकदम बहुत पतला वैसा भी नहीं, जो कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है कि एकदम रोल हो जाता है, और बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट साइज बता सकते हैं इसका आप, देखो। सो आई एम लविंग इट। आपको ये वीडियो कैसी लगी
आउट ऑफ द बॉक्स मेरे चैनल में पिज्ज़ा रिव्यू आप मुझे ज़रूर बताना।